राम राम जी सारा ने मैं उठा रही गेला प्रीती को तो फिलहाल भाई जींद में मौजूद हाँ, जींद के अर्जुन स्टेडियम में। यहाँ पर 35 कन्याओं का है जो सामूहिक विवाह करवाया जा रहा है, युवा मित्र मंडल के द्वारा है जो सामूहिक विवाह करवाया जा रहा है। व्यवस्था है जो बहुत अच्छी कर रखी है और दूर दूर से हैं जो कन्याएं आ रही है वही शादी करवाने के लिए। नुके आकर है कन्या का दान महादान में आकर है, आज वही महादान यहाँ पर करवाया जा रहा है युवा मित्र मंडल के द्वारा। सारी व्यवस्था है जो बहुत अच्छे प्रकार तक कर रखी है, जो पूरे रीति रिवाज और सारे रीति रिवाज जो निभाए जाने लग रहे। पंडाल की तरफ मैं लेकर चलूँगी अपने, फेरे भी होने लग रहे हैं, फेरे भी हम अपने दिखावाएंगे और जो सभी कन्याओं का जो सामान है जो वो भी दिखावाएंगे हम अपने। देखो अपने हिंदू रीति रिवाज में जब कन्या की शादी हो उसको सामान भी दिया जाओ, जो उसके यूज में सामान हुआ है वो सामान भी दिया जाओ। सभी सामान है जो यूज का सामान है वो सामान भी यहाँ पर दिया जा रहा है। सामान की तरफ मैं अपने लेकर चलूँगी, सामान भी मैं अपने दिखाऊँगी और इस तरफ है जो फेरे होने लग रहे हैं वो फेरे भी मैं अपने दिखाऊँगी। 35 कन्याओं की जो यहाँ पर शादी होने लग रही है तो 35 कन्याओं के साथ है जो 35 के 35 हैं जो पंडित बैठे हैं, हर एक कपल के साथ है जो अलग पंडित बैठे हैं। तो भाई एक बार मैं अपने फेरे और दिखा दूँ लाइव है जो अपने लेयर में भी चलते हुए दिखाई देवेंगे फेरे जो ये मैं अपने एक बार लेयर में भी दिखा दूँगी। तो भाई देखो बहुत ही अच्छा है जो यहाँ पर काम करवाया जा रहा है। नुका आगरा कन्या का दान महादान होया करे, आज वही महादान है जो यहाँ पर करवाया जाने लग रहा है। और देखो भाई इस साइड में है जो फेरे होने लग रहे हैं और देखो भाई मैं फेरे भी आपने दिखाऊंगी। तो भाई देखो फेरे जो यहाँ पर होने लग रहे हैं तो अंदर एक बार आ जाओ, कैमरा मैन साथी निकलूंगी कि अंदर आ जाओ एक बार अंदर तो दिखा दो। तो देखो भाई सभी के सभी कपल है जो बहुत प्यारे लग रहे हैं और 35 कपल है जो यहाँ पर मौजूद है, 35 जोड़े यहाँ पर विराजमान है। तो भाई देखो तस्वीरों को आपने शेयर जरूर करना है साथ के साथ में। तस्वीरें हैं जो आप जींद के अर्जुन स्टेडियम तक देखने लग रहे हो, यहाँ पर जो 35 कन्याओं का सामूहिक विवाह होने लग रहा है और उस तरफ मैं अपने लेकर चलूँगी जो सामान है जो लड़कियों का सामान दिया गया वो भी मैं अपने दिखाऊंगी कि क्या क्या सामान है जो दिया गया युवा मित्र मंडल के द्वारा ये जो सामूहिक विवाह जो करवाया जाने लग रहा है। तो भाई एक बार तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। और देखो भाई उस साइड में है जो सामान है लड़कियों का, जो अपना हिंदू रीति रिवाज में लड़कियों को शादी के टाइम है जो माँ बाप उनको सामान देवे है वो सामान भी मैं अपने दिखाऊंगी। देखो बहुत सारे गरीब हैं माँ बाप है जो अपनी बच्चों की जो शादी करने में समर्थ नहीं हो पाते, लेकिन युवा मित्र मंडल ने बहुत ही अच्छी पहल करी है। आज 7वां सामूहिक विवाह है जो ये करने लग रहे हैं, आज भी 35 लड़कियों की जो शादी ये करवाने लग रहे हैं और फेरे की जो परंपरा है जो चले हुए फेरे जो चले हुए हैं अपने हिंदू रीति रिवाज में फेरे चले आकर भाई शादी में तो फेरे भी चलने लग रहे हैं। और ये देखो भाई सभी लड़कियों का है जो सम्मान है एक के बाद एक है जो सम्मान रखा हुआ है। तो एक बार इन तक बात करेंगे कि ये जो कौन इस सम्मान को है जो इस प्रोग्राम को आयोजित कराया है, तो पूरी बात जो इन तक करेंगे एक बार स्टॉप कर दो। तो भाई जो इनको इस सामूहिक विवाह को जिसने आयोजित किया इन तो बात करेंगे, इनकी पूरी टीम है इन तो बात करेंगे। राम राम जी। हाँ जी बोलो जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम क्या सर आप? मेरा राजेश शर्मा, मैं उप प्रधान के जो है पद पे नियुक्त हूँ युवा मित्र मंडल में जी। ये हम हर साल 51 लड़कियों की जो है गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं, ये हमारा 7वां वो है प्रोग्राम। कोरोना की वजह से 2-3 साल हम नहीं जो है कर पाए उसको, लेकिन ये जो है निरंतर लगातार ये सिलसिला जो है चल रहा है। तो आज कितने लड़कियों के जो शादी करवाई है? हमारे पास ये 80 केस आए थे जी, हमने छटनी करके किसी की जो ना उम्र कम थी कोई जो ना थोड़े जो ना झूठे केस थे उनको हमने जो ना निकाल के सिर्फ ये 35 लड़कियों की शादी हमने की है जो हमारे को केस जेन्यून लगे। इनकी उम्र 18 साल की है, लड़की की और लड़के की 21 साल की उम्र है। तो इस सामूहिक विवाह का जो आयोजित कौन कर रहा है? आयोजित ये सारा पूरा जो ना जींद वासियों का जो ना प्रोग्राम है और हमारी युवा मित्र संस्था है जो सब जींद वासियों के सहयोग से ये प्रोग्राम करते हैं हम हर साल। देखो पूरा का पूरा अर्जुन स्टेडियम है जो भरिया पड़े आदमी तो खचा खच है। देखो खर्चा भी आया होगा खाना पीना, वो खर्चा खाना खर्चा का सामान का खर्चा कहाँ था आया? ये खर्चा सब जो ना दानी सज्जन है हमारे साथ जो हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे को निरंतर जो ना लगातार हमारे जो संस्था से जुड़े हुए हैं हमारी संस्था को दान देते हैं। हम 1 लाख रुपये का सामान एक लड़की को देते हैं और कम से कम 8 से 10 हज़ार आदमियों का यहाँ खाना होता है, भोजन की व्यवस्था हर प्रकार से होती है, किसी को भी किसी चीज़ की कोई जो ना कमी महसूस नहीं होती। सामूहिक विवाह जो आप करवाने लग रहे हो? ये 2011 से हमारी मुहिम चालू है
आज तक कितने की लड़कियों की मतलब शादी आपने करवा ली होगी? हम आज तक 265 लड़कियों की शादी करा चुके हैं जी, और वो लड़कियां सभी सुखी हैं। हम शादी करने के बाद भी उनकी इंक्वायरी करते रहते हैं, अभी कोई लड़का किसी लड़की को तंग नहीं कर रहा हो, है जी। हम जो है डीसी ऑफिस से उनको जो है वो देते हैं, प्रत देते हैं भी, अगर आपने लड़की के साथ कोई गलत किया तो आपको जो है 2 या 4 साल की सजा हो सकती है। आज ये जींद आ रहे हैं या लड़का लड़की या फिर कहीं और बाहर से भी आ रहे हैं? बाहर से भी आ रहे हैं, हमारे पास फरीदाबाद से आ रहे हैं, झज्जर से आ रहे हैं, मतलब काफी दूर दूर तक हैं। काफी दूर दूर से लड़के आ रहे हैं, रेवाड़ी से आ रहे हैं ज्यादातर केस, 10-12 केस जो है वो जींद से ही है, प्रॉपर जो है राम कॉलोनी से है, रोहतक रोड से है, भिवानी रोड से है। जो अपने दर्शक देखना चाहे और जो गरीब माँ बाप है अपने लड़कियों को बहुत समझा है, शादी कुकर करांगे, देखो आज ये आप सामूहिक विवाह करवा रहे हो, कहीं ना कहीं उन माँ बाप की जो चिंता है वो भी आपने दूर कर दी। देखो हमारा जो हमारी संस्था का एक मुहिम हमने चलाई थी भी, बेटी बनाओ बेटी ब्याहो, मोदी जी की मुहिम थी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम उसी मुहिम पे जो ना कार्य कर रहे हैं, और ये मुहिम हमारी मतलब ये लगा लो सफल हो रही है। हमारा मेन मकसद ये है कि हम चलो हमारी तो एक संस्था है जो मिलजुल के कार्य करते हैं, हमारा ये संदेश हमारा ये है कि समाज में संदेश जाए, किसी की भी लड़की हो आपस में पड़ोसी मिलजुल के उसकी हेल्प करके उसकी शादी करा सकते हैं। आपकी संस्था में जो कितने सदस्य हैं? हमारी संस्था में 28 हमारे सदस्य हैं जो परमानेंट हैं, और 7 हमारे सेवक हैं जो हमारी निरंतर सेवा करते हैं संस्था। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? सुभाष चंद्र। जो आज ये सामूहिक विवाह जो करवा गया युवा मित्र मंडल के द्वारा, क्या कहना चाहोगे? तो हमें ये 7वां आयोजन कर रहे हैं जी, 365 लड़कियां पहले शादी कर चुकी, 35 लड़कियां अब शादी कर रहे हैं। 365 लड़कियों की शादी आप कर चुके? हाँ, 365 लड़कियां शादी कर चुके हैं जी, 35 लड़कियों की शादी आज की है, ये आपका सामने है, देखो कैसा प्रोग्राम लगा। तो ऐसे ऐसे बच्चे शादी करते हैं, किसी का माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, गरीब बच्चे शादी करते हैं, कोई किसी की लड़की अपनी बहन कर हुआ है, कोई बुआ कर हुआ है, ऐसे गरीब बच्चों की शादी करते हैं जी, उनको बिल्कुल याद, देखो कितना रौनक आती है उन बच्चों के लिए जिसकी हम शादी करते हैं, ये देखो इतना सम्मान देते हैं एक बच्चे का, बिल्कुल व्यवस्था बहुत अच्छे प्रकार तक कर रखी है। हाँ तो ये तो देखो लोगों का ये पता भी, ये युवा मित्र मंडल बढ़िया काम करता है, बढ़िया काम करने से मतलब हर एक आदमी इन्हें पता लग गया है, तो दानी सुजनों की कमी नहीं है जी, तो कोई काम करने वाला चाहिए। ये हमारे जींद निवासी ऐसे ऐसे डोनर हैं जो हमारे को मतलब अपने आप मतलब संस्था में जुड़ते हैं, दान करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार दान करते हैं, मतलब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती हमें जी। इसके अलावा हमारे पास मतलब शादी करने के बाद जो भी मतलब वो बताता है, हमने लगातार 3 साल से नंदी साड़ा है एक अपना भीड़ में, वहाँ जो पुल बनाया था वहाँ लोगों का आना जाना बंद हो गया था, तो वहाँ 3 साल से लगातार 6,000 की सालनी हमें टाल में बांध रखी है जी। तो युवा मित्र मंडल हमारे प्रधान जी पवन जी मतलब का सारा सिरे जाता है, वह इतने एक्टिव हैं जी, तो लगातार एक दिन की भी लागा नहीं हुई जी, लगातार 3 साल से हमारी 6,000 की सालनी जाती है, महीने में 1,80,000 की सालनी जाती है जी। साल में एक बार सामूहिक विवाह करवाया जाए? साल में एक बार तो ये करवाते हैं जी, बीच में कोई ऐसे गरीब बच्चे आ जाते हैं तो भाई उनका ब्योत नहीं होता, उसका मैं मतलब पीछे जाट धर्मशाला में 2 लड़कियां शादी एक की थी, 2 की 1 की थी, बीच में कर देते हैं जी शादी। अगर किसी गरीब लड़की को आपकी सहायता की आवश्यकता तो आप तो कांटेक्ट कैसे करते हैं? हाँ, हमारे प्रधान जी हैं, उनसे कांटेक्ट किया जाए, पवन प्रधान जी हैं जी, है वह उनसे बात की जाए, तो अगर करने के लायक होगी तो लड़की। तो बात कैसे करी जाए? तो हमारे पास नंबर है जी, है एक बार नंबर और बता दो अपनी वीडियो में। मेरा नंबर है 94-161-78-411 सुभाष चंद्र, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो हमारे संपर्क करो तो हम उसकी आवाज़ आगे उठाएंगे, अगर गरीब कन्या है उसके करने के योग्य है तो हमें उसकी पूरी व्यवस्था करेंगे जी। धन्यवाद सर। तो भाई देखो वीडियो आपने देखी, उनके आगरा कन्या का दान महादान उस साइड में जो देखो भाई कैंट्रा में जो लड़कियों का सम्मान है जो लद्दा जान लग रहा है, तो एक अच्छी पहल जो इन्हें करी है, आज 7वां सामूहिक विवाह है जो इन्हें कराया है, आज युवा मित्र मंडल के द्वारा ये सामूहिक विवाह है जो कराया जान लग रहा है, आज 35 लड़कियों का सामूहिक विवाह जो यहाँ पर करवाया। तो भाई आपने वीडियो देखी, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है, और इनकी पहल है जो आपने कैसे लगी एक सब कमेंट के जरिए आपने आपकी राय है जो जरूर देनी है। तब तक के लिए जय हिंद।